18,000 के आसपास अगर आपको गेमिंग करनी है तो वहाँ पर हमें मिलता है आईको जेड 9, जिसमें प्रोवाइड किया गया है डायमंड सिटी का 7200 प्रोसेसर। तो यहाँ पर CMF ने लॉन्च कर दिया है अपना CMF बाय नथिंग फोन 1, जो हमें 15,000 का मिल जाता है, और यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है डायमंड सिटी का 7300। आपको एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 7300 7200 से थोड़ा सा डाउनग्रेड है। तो आज की वीडियो में हम चेक करते हैं कि अगर आप ये स्मार्टफोन बाय करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, क्या इस स्मार्टफोन में हमें ज़्यादा फ्रेम रेट्स में ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, या फिर ये प्रोसेसर स्टेबल रहता है गेमिंग के टाइम पर। यहाँ पर हम सारी टेस्टिंग करने वाले हैं, जायरोस्कोप भी टेस्ट करेंगे, गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हमें कितने आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, तो सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं गेमिंग से रिलेटेड। अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए बाय करने की सोचें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बाकी इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड और वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो करते हैं हम इस स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट स्टार्ट। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को मैक्सिमम पर सेट कर लूँगा। नेटवर्क के लिए यहाँ पर मैं Jio 5G सिम का यूज़ कर रहा हूँ और स्मार्टफोन हमारा भी 100% चार्ज है। साथ ही यहाँ पर दो सिस्टम अपडेट आ गए थे तो उन दोनों को ही मैंने अपडेट कर लिया है, तो स्मार्टफोन हमारा अप टू डेट है और स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को भी हाइपर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैंने FPS अनेबल कर लिए हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हाइपर सेट कर दूंगा तो यहाँ पर FPS 30 पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर रेगुलर देखते रहना कि स्मार्टफोन के FPS आपको कितने प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं एक्सट्रीम पर सेट करूँगा दोबारा से तो आप देख सकते हैं दोबारा से 55 और 59 60 पर FPS हमारे आ गए हैं। तो अपने टाइमर को ऑन करते हैं और गेम भी स्टार्ट करते हैं। और अभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर है 38.5 डिग्री और टेबल के टेम्परेचर की बात करें तो टेबल का टेम्परेचर है 31.7 डिग्री। तो ऊपर आपको स्क्रीन पर FPS शो हो रहे होंगे, आप साथ के साथ देखते रहना। यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप गेम एन्जॉय करो और साथ के साथ FPS भी चेक करते रहना। अभी तो हमने गेम स्टार्ट किया है, हम लास्ट तक 2-3 घंटे खेलने के बाद भी चेक करेंगे कि क्या फ्रेम्स में डाउन हमें देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। तो पहले हमने सिंपल मैच खेला था, इस बार हम मोड वाला गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेम्स ड्रॉप होने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी रस गेम प्ले होता है यहाँ पर, आपको पता भी होगा अगर आप खेलते हो तो। तो आप अभी देख सकते हैं लैंडिंग के टाइम पर तो हमें ज़्यादा फ्रेम्स में ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 40 FPS तक जा चुका है हमारा स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन का टेम्परेचर आ गया 42.5 डिग्री पर, एक घंटा हमारा गेमिंग का कंप्लीट हो गया, बैटरी आ गई है 85% पर। तो एक घंटे में हमें सिर्फ 15% का ही बैटरी में ड्रॉप देखने के लिए मिला है।
तो यहाँ पर मैंने एकदम से लैग फील किया था और फ्रेम्स भी आप देख सकते हैं 40 पर आ गए थे। अब स्मार्टफोन का टेम्परेचर है 41.5 डिग्री, दो घंटे गेमिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बैटरी की बात करें तो बैटरी आ गई है 70% पर, तो इस बार भी हमें सिर्फ 15% का ही बैटरी में ड्रॉप देखने के लिए मिला एक घंटे में। फिर से मैंने एक घंटे के लिए गेमिंग की और यहाँ पर भी आप टेम्परेचर देख सकते हैं, अभी भी 41.7 डिग्री पर, तीन घंटे गेमिंग के कम्प्लीट हो गए हैं और बैटरी आ गई हमारी 55% पर, तो इस बार भी हमें एक घंटे में सिर्फ 15% का ही बैटरी में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। अब मैं एक TDM मैच प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर भी फ्रेम्स देखना कि फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं या फिर नहीं, या फिर होते हैं तो कितने होते हैं। तो रेगुलर तीन घंटे गेमिंग करने के बाद भी TDM में आपने देख ही लिया होगा कि स्मार्टफोन ने किस तरीके से आपको फ्रेम्स प्रोवाइड किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्मार्टफोन का फुल्ली बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करूं मैं गेमिंग का, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो ज़ायरो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने तीन स्मार्टफोन लिए हैं। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपका CMF Phone 1 है, सेंटर में IQ Neo 6 है और राइट साइड में Moto H50 Pro है। तो यहाँ पर आप कंपेरिज़न देख ही सकते हैं एक साथ तीनों का। मुझे कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है, जब मैंने गेमिंग की थी मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा था, लेकिन अगर आप पहले आईफोन पर खेल रहे थे और उसके बाद आप इस स्मार्टफोन पर खेलोगे तो आपको थोड़ा सा जायरो इसका स्लो फील हो सकता है, लेकिन जब आप इस पर गेमिंग करोगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर हमें एवरेज 15% का पर आवर बैटरी में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। तो नॉर्मली आप इस स्मार्टफोन पर रेगुलर गेमिंग भी करोगे तो भी ये स्मार्टफोन आपको गेमिंग के टाइम पर 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। बाकी अगर मैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमें फ्रेम्स में ड्रॉप देखने के लिए मिला है, लेकिन अगर हम 15,000 के आसपास और कोई स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर इस स्मार्टफोन ने हमें काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है, क्योंकि स्क्रीन पर आपको भी साथ के साथ फ्रेम रेट शो हो रहे थे। वहाँ पर फ्रेम्स रेगुलर ज़्यादातर टाइम 55 से 60 के बीच में ही रहते हैं, किसी किसी सिचुएशन में फ्रेम रेट्स 40 तक भी जा रहे थे, लेकिन रेगुलर हमें इस तरीके से फ्रेम रेट्स में ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा था। हमने लगभग 3 घंटे लगातार गेमिंग की थी, वहाँ पर भी फ्रेम रेट्स नॉर्मली ड्रॉप नहीं हो रहे थे। तो ओवरऑल आपको फ्रेम्स में ड्रॉप तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से, रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करने वाला है। बाकी जायरोस्कोप इस स्मार्टफोन का कैसा है वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। इस स्मार्टफोन पर आपको कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोज़ के कार्ड आपको ऊपर मिल जाएंगे, उनको भी जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।